हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल। वेलकम बैक फिश एक्वेरियम हॉबी। एंड टुडे टॉपिक इज हाउ टू कंट्रोल वाटर टेम्परेचर इन विंटर सेशन। किस तरह से हम वाटर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं विंटर सेशन में। देखिए फ्रेंड, मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे एक्वेरियम का टेम्परेचर इतना है, 29 डिग्री हो गया, क्या मुझे हीटर यूज़ करना चाहिए, 26 डिग्री जा रहा है, क्या हीटर यूज़ करना चाहिए, मेरी फिशेज़ को वाइट स्पॉट हो रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ये सब सिर्फ टेम्परेचर के फ्लक्चुएट होने की वजह से कर रहे हैं। टेम्परेचर लो डाउन हो रहा है। अगर आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर 28 डिग्री है या 28 डिग्री से नीचे, तो आपको हीटर यूज़ करने की ज़रूरत है। मैंने मार्केट से कुछ हीटर पिक करे हैं जो कि आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी आपके नियर बाई एक्वेरियम शॉप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने यहाँ पे 50 वाट से लेके 300 वाट तक का हीटर पिक करा है, जिससे कि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ कि किस टैंक साइज़ में कौन सा वाट का हीटर यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, किस तरह से क्लीनिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मार्केट में आपको दो तरीके के हीटर मिल जाएंगे, एक स्टील हीटर और एक ग्लास हीटर। हम दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टील हीटर पर। आपको मार्केट में स्टील हीटर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, थोड़ा कॉस्टली आता है, बजट से थोड़ा ऊपर हो जाता है, 1500 से 2000 रुपये में वो स्टार्टिंग होता है। तो जितने वाट का आपको स्टील हीटर चाहिए, उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। उनकी कोई वारंटी गारंटी नहीं होती, और इनकी भी किसी तरह की वारंटी या गारंटी नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, हमारे जो स्टील हीटर में डिसएडवांटेज है, उसमें जो करंट पास आउट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिला है, मुझे जो कंप्लेंट्स मिली है मेरे व्यूवर्स की, मेरे फ्रेंड्स की, जो उसका कट ऑफ सेक्शन होता है, जो सेंसर होता है, कभी वो वर्क करता है या कभी वो करता ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर हीटर रन हो रहा तो वो रन ही हो रहा है रेगुलर, वो कट ऑफ ही नहीं हो रहा या हीटर ऑन ही नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, इसलिए मैं आपको स्टील हीटर प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप वो लीजिए या उसे यूज़ करिए। तो ये तो था हमारा स्टील हीटर। अब बात करते हैं हमारे ग्लास हीटर पे। देखिए फ्रेंड्स, ग्लास हीटर मैं 2012 से यूज़ कर रहा हूँ। ग्लास हीटर जो आप मेरे पीछे टैंक में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये ग्लास हीटर मैं 2012 से यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आज तक मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये ख़राब भी नहीं हुआ, ना ही ये ब्रेक हुआ। क्योंकि काफ़ी बार प्रॉब्लम देखी जाती है कि ब्रेक हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है टैंक के अंदर। तो ये हमारी कुछ गलतियों की वजह से होता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जब हम अपने एक्वेरियम में ग्रेवल साफ़ कर लेते हैं, फ़िल्टर साफ़ कर लेते हैं, बट हीटर नहीं साफ़ करते। हीटर के ऊपर क्या है, सॉल्ट डिपॉजिट होने लगता है, जो इसके ऊपर एक कैप होती है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ मैं किस कैप की बात कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैप है अभी तो ये लूज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है इस जगह पे। तो ये ग्रिपिंग है, अभी तो ये इजीली निकल जाता है। जब ये यहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट होता जाता है तो ये बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप हो जाती है इस कैप की, जो ये ईजिली रिमूव ही नहीं होता है इसके अंदर से। तो यही कारण होता है, जितनी जल्दी जितना ज़्यादा इसकी ग्रिप बन जाती है, ग्लास पर उतना प्रेशर पड़ता है, उस वजह से ये ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से एक्वेरियम हीटर ब्रेक होते हैं। मैं भी आगे चल के बताऊँगा कि इसका क्या सोल्यूशन है। इसका एक डिसएडवांटेज और है फ्रेंड्स, जो इसका ये नोज़ है, टेम्परेचर सेट करने का नोज़। अगर आप इसे कभी 28 डिग्री पर सेट करते हैं तो 30 डिग्री तक वाटर को वार्म कर देता है, गर्म कर देता है मतलब। और कभी आप इसे मान लीजिए 30 डिग्री पर आपने सेट करा, तो ये 26 डिग्री से ऊपर ले ही नहीं जाता है। कई बार इन हीटरों में भी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली है। इसके साथ आपको थर्मामीटर ज़रूर यूज़ करना है। देखिए मार्केट में आपको ये तीन थर्मामीटर ईजिली मिल जाएंगे। सबसे पहला ये स्टिकर वाला थर्मामीटर, ये ग्लास के फ्रंट पे छुपा होता है, यहाँ पे स्टिकर होता है, जिससे कि ये ग्लास का टेम्परेचर देता है, ना ही कि एक्वेरियम का। ये अंदर के वाटर का नहीं, ये जितना ग्लास ठंडा होगा बाहर की तरफ से, ये उसका टेम्परेचर देगा। ये बिल्कुल ही बेकार है, तो इसे प्लीज़ यूज़ मत करिए किसी भी कंडीशन में। मैं इसे प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप इसे यूज़ करिए, ये बिल्कुल बेकार है। ये हीटर ये एक्वेरियम का टेम्परेचर नहीं देता, ये ग्लास का टेम्परेचर देता, तो उस कंडीशन में हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ये मरकरी का थर्मामीटर। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरीके का होता है, ये इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। बस आपको इसे कैरी करने की ज़रूरत है कि आप इसे कितने टाइम तक कैरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास बड़ी फिशेज हैं, तो इसे ये ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि जब वो स्विमिंग करती हैं, इस पर हिट करती हैं, या उनके फोर्स से ये निकल जाता है ग्लास से, तो सीधा आगे ग्रेवल पे गिर, तो वहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है। मेरी ऑस का, मैं भी पहले ये यूज़ करता था, मेरी ऑस करने से तोड़ दिया। बड़ी फिशेज़ के साथ इसे यूज़ करना सेफ़ नहीं है, क्योंकि जब ये टूट के नीचे गिरेगा तो उसके कांच पूरे एक्वेरियम फैल जाएगा, जो फिशेज़ को भी हार्म कर सकता है। अगर आपके पास छोटी फिशेज़ है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जिसकी कॉस्ट 50 रुपये पड़ी मार्केट से, जो कि काफ़ी चीप है और बेस्ट है। एक थर्मामीटर ना होने से तो ये ठीक है, क्योंकि 1-8 डिग्री ऊपर नीचे होगा, बट बताएगा तो सही। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल थर्मामीटर की। ये डॉल्फिन का डिजिटल थर्मामीटर है, मैं यही यूज़ करता हूँ अपने एक्वेरियम में, जो कि बेस्ट है। इसकी बैटरी 6 मंथ तक चल जाती है, 6 to 8 मंथ तक आराम से चल जाती है। मेरे थर्मामीटर की बैटरी अभी तक लो डाउन नहीं हुई है, काफ़ी टाइम से मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। वो एक्यूरेट रीडिंग देता है, जो आपने फिशेस कैरी कर रखी है, तो आपके लिए थर्मामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है कैरी करना, क्योंकि
फिशेज हमारी सबसे ज़्यादा फिश की डेथ टेम्परेचर के फ्लक्चुएट होने की वजह से होती है कि अचानक कम हो गया बढ़ गया, इसीलिए फिशेज की ज़्यादा डेथ होती है। अगर आपके पास एक ये थर्मामीटर रहेगा तो आप उसे मॉनिटर कर सकते हैं और उसी हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं अगर, क्योंकि कई बार होता है कि ये हीटर काम करते करते बंद हो जाते हैं, तो उस जगह पे यही आपको इंडिकेट करेगा कि हीटर वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपके एक्वेरियम में जो भी टेम्परेचर दैट टाइम का, चाहे वो हीटर वर्क नहीं कर रहा, चाहे मान लीजिए 20 डिग्री चला गया 15 डिग्री, तो ये आपको इंडिकेट कर सकता है कि हीटर नहीं चल रहा है। कभी कभी प्लग भी हिल जाते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, या आपके एक्वेरियम का हीटर रेगुलर रन कर रहा है, मान लीजिए आपने 28 में सेट करा बट वो कट ऑफ ही नहीं हो रहा, उसके कट ऑफ में प्रॉब्लम है, सेंसर में प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर भी यही आपकी हेल्प करेगा कि आपके एक्वेरियम का वाटर ओवर हीट हो रहा है, फिशेज को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस जगह भी आपको यही इंडिकेट करेगा। तो एक थर्मामीटर लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको 350 से 400 रुपये तक का ईजिली मिल जाएगा मार्केट में। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज़ एक ग्लास थर्मामीटर ज़रूर ले लीजिए अपनी फ़िशेज़ के लिए। ये भी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी फ़िशेज़ की लाइफ सेव करने में, क्योंकि हम इन हीटरों के ऊपर भरोसा करके नहीं छोड़ सकते हैं अपने एक्वेरियम को, तो आपको ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मेरी फ़िश ये है, क्या मैं मेरे एक्वेरियम का टेम्परेचर ये सेट कर दूँ, मेरी फ़िश को ये प्रॉब्लम है, क्या मैं ये टेम्परेचर सेट कर दूँ। फ्रेंड्स देखिए, 28 डिग्री एक आइडियल टेम्परेचर है हर टाइप की फ़िशेज़ के लिए, तो आपको किसी भी फ़िश को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 28 डिग्री सेट करते हैं। फिर भी आपने अगर ट्रॉपिकल कुछ ऐसी एक्जॉटिक फ़िश रखी है तो एक बार गूगल करके या सर्च करके देख सकते हैं कि क्या टेम्परेचर उसके लिए परफेक्ट है, तो उसी टेम्परेचर से सेट करिए। और एक बार थर्मामीटर से मॉनिटर ज़रूर कर लीजिए कि क्या टेम्परेचर एग्जैक्ट ये हीटर दे रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इस तरह से ये यूज़ करना है, किसी तरह से परेशानी नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसे इंस्टॉल कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप मैंने इसे अनबॉक्सिंग करा था, ये हीटर और ये दो क्लिप मिली हैं आपको, ये क्लिप देखिए यहाँ पे इस जगह पे इस तरह से लगानी है, ये इस तरह से हैंग हो जाएंगी, ये देखिए ये इस तरह से ये क्लिप लग गई है, ठीक है। अब आपको क्या होता है, बहुत बार क्या करते हैं जो बिगनर्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होती, वो क्लिप को इस तरह से लगाते हैं, देखिए इस तरीके से लगाते हो क्लिप को, जिससे कि ये एरिया पूरा गर्म होता है, तो इस जगह पे आपको क्लिप नहीं लगानी, आपको एक क्लिप लगानी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये कलर टाइप का दिख रहा है, ग्रीन कलर है या ब्लू कलर, इस जगह पे आपको ये लगानी है, बिल्कुल नीचे नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे ग्लास बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये पिघल के ग्लास के ऊपर ही चिपक जाएगा, जिससे कि ग्लास ब्रेक होने के या फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जो क्लिप है, सक्शन है जो इसके, ये सकर है जो इसके, ये आपको इसी जगह लगाना है और हैंग ऑन कर देना। देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर है, ये देखिए जब इसे ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर जलेगा, आपको बताएगा कि ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली है, ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगा जिस डिग्री पे आप सेट करेंगे। मगर मैं जैसा कि आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको थर्मामीटर कैरी करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इसके सेंसर में प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको इस तरह से ये इंस्टॉल करना है। अब बात करते हैं इसे सेट कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और पास से दिखाता हूँ कि आपको दिख रहा है, ये देखिए जो नंबरिंग दिख रही है आपको, ये जो साइड में नंबरिंग दिख रही है, ये टेम्परेचर है। यहाँ पे आपको सेट कर देना है इस नोज़ल को घुमा के कि आपको 30 डिग्री रखना है, 28 रखना है, इस तरह से देखिए राउंड होता है, ये घूमता पूरा, कौन सा क्या टेम्परेचर रखना है, 30 रखना है, 28 रखना है, 26 रखना है, 25 रखना है, कितना टेम्परेचर रखना है, वहाँ वो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स, अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो कोई कहता है कि इसे इस तरह से 180 डिग्री में लगा दीजिए, कोई कहता है इसे इस तरह से 45 डिग्री में लगा दीजिए, कोई कहता है इस तरह से 90 डिग्री में लगाइए, तो फ्रेंड्स एक्चुअल में लगाना क्या चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे एक्वेरियम हॉबी को काफ़ी टाइम से कैरी कर रहा हूँ और मैं इसी तरह से हीटर कैरी करता हूँ। मैं आपको तीनों मोड में फ़र्क बताता हूँ कि जो 180 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया और 90 डिग्री, इनमें फ़र्क क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसे ऐसे रखते हैं पानी भी वार्म होगा, सब कुछ होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो इसका नोजल है यहाँ पे धीरे धीरे डस्ट जमा होती रहती है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से चौक हो जाता है, ये राउंड नहीं होगा, एक टेम्परेचर पे सेट होके रह जाएगा, बाद में टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते आप इससे, तो सेम टेम्परेचर पे ही रन करेगा। और जब आप इसे नीचे लगाते हैं इस तरह से बॉटम पे, तो मान लीजिए कुछ बड़ी फिशेज है, मान लीजिए शकर है, कई बार शकर भी इसके ऊपर माउथ लगा देती है, या छोटी फिशेज हैं जो वो नीचे प्लेइंग करती हैं, या आपने स्टोन वगैरह रख रखे हैं, तो अगर ऑस्कर वगैरह हुई तो अगर उसने मान लीजिए कोई नीचे काफ़ी बार ऑस्कर और पैरट या सिकलेट फिश लड़ाई करती है, तो नीचे कई बार ग्रेवल तक एक अपनी जगह से इधर उधर, अगर इस पर कोई प्रेशर से ग्रेवल लग गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो आप इसे बॉटम में लगाते हैं, तो उस जगह पे आपको ये ऐसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फिशेज़ की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है और हमारा ये नोज़ तो सील हो ही जाएगा, तो इस जगह भी नहीं लगाना है। और फिर आती है 90 डिग्री के बाद, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप लगा सकते हैं,
इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। इसमें ग्रास ब्रेकेज की तो कम प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं क्योंकि ये बॉटम से उठा हुआ होगा काफ़ी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका जो नोज़ल है ये इस कंडीशन में भी सील हो जाएगा, यहाँ भी आप कोई टेम्परेचर और नहीं सेट कर पाएंगे। ये तो हो गया फ्रेंड्स 180 डिग्री पे और 45 डिग्री पे, तो ये प्रॉब्लम है। अब आते हैं 90 डिग्री पे। देखिए हमेशा 90 डिग्री पे यूज़ करता हूँ और ये नोज़ल, इतना नोज़ल ही पानी में डूबा रहता है, सिर्फ इतना, बाकी ये पूरा पानी में डूबा रहेगा, ये ऊपर रहेगा क्योंकि पानी यहाँ तक रहेगा। उसे यहाँ से बाद में अगर मान लीजिए मैं किसी और टैंक में लगाता हूँ तो वहाँ पे मैं उसे सेट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जिससे परेशानी नहीं होगी कोई मुझे। तो इस तरीके से आपको ये सेट करना है, इतना हिस्सा आपको पानी के ऊपर रखना है, बाकी आपको नीचे रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसे किस कोने में सेट करना है, बीच में सेट करना है, साइड में सेट करना है या साइड। देखिए आपको फिल्टर, मान लीजिए यहाँ फिल्टर है तो आपको इस जगह पर नहीं सेट करना, आपको फिल्टर के अपोजिट में सेट करना है, जिससे कि फिल्टर जो फोर्स करेगा, जो वाटर को फिल्टर करके इसकी तरफ थ्रो करेगा, तो वाटर थ्रो होके पूरा साइकिल होके फिल फिल्टर के पास आएगा, तो जिससे कि पानी इक्वल क्वांटिटी में वार्म होता रहेगा, पानी कहीं ठंडा या गर्म वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी आपको। ये तो आपको ये इस तरह से इसे सेट करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके प्रिकॉशंस के ऊपर कि हमें इसे यूज़ करते हुए प्रिकॉशंस क्या क्या बरतना है जिसकी वजह से ये फटता है। देखिए फ्रेंड्स आपको मान लीजिए आपने ये हीटर लिया कभी शॉपकीपर पे या आप घर में चेक कर रहे हो कि मैंने प्लग पे लगाया, देखा हाँ ऑन है तो ठीक है ऑन है, मैंने तुरंत डाल दिया, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक्वेरियम में ये तुरंत नहीं डालना है, आपको निकालना है, इसे ठंडा होने देना 20 से 25 मिनट, क्योंकि इसका ग्लास बहुत तेज़ी से गर्म होता है और उसके बाद जैसे ही आप उसे ठंडे पानी में डालेंगे तो इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है कि आपने चेक करा गर्म हो रहा है ठीक है फिर आपने तुरंत पानी में डाल दिया, नहीं इसे निकाल दीजिए, 20 मिनट रुकिए, इसे ठंडा हो जाने दीजिए, फिर एक्वेरियम में लगा के फिर स्टार्ट करिए। तो इस तरह से इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी और आपके आपका हीटर काफ़ी टाइम तक रन कर पाएगा। इसके बाद आपको इसकी क्लीनिंग प्रॉपर करनी है, जब आप फिल्टर वॉश करते हैं तभी आपको हीटर भी क्लीन करना है। अब इसे क्लीन कैसे करेंगे आप कहेंगे, ये कहाँ से खोलेंगे, इसमें कहाँ से पानी डाल के साफ़ करेंगे, इसे पानी डाल कहीं से साफ़ नहीं करना है। इसे आपको ये कैप निकालनी है, एक ब्लेड लेना है शेविंग ब्लेड, उससे यहाँ पे स्क्रैचेस करने हैं, यहाँ पे साल्ट डिपॉजिट हो जाएगा, छुटाना है पूरे पे, जिससे कि यहाँ पे साल्ट की ग्रिप नहीं बन पाएगी और शीशे पे किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए ये जो कैप है, ये कैप अभी पूरी नॉर्मल फिक्स है, मतलब टाइट नहीं आ रही है कोई भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। इसके बाद क्या है, ये जो कैप है देख, इस कैप को आपको यहाँ से कट कर देना है ब्लेड से, इस यहाँ से आपको इसे कट कर देना है, जिससे कि इसका थोड़ा जो ये ग्रिपिंग है ये और ढीली हो जाए। इसका क्या फ़ायदा है फ्रेंड बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने ये यहाँ पे लगा दिया, आपको टाइम नहीं मिला 15 दिन 20 दिन, आप भूल गए इसे साफ़ करना, तो उस कंडीशन में क्या है यहाँ पे साल्ट डिपॉजिट होता रहेगा। तो ये जो इसकी है जो हमने फ्री कर दिया, अब इसमें कोई पावर तो रही नहीं कि ये ग्लास को ग्रिप करके पकड़ सके, ये जितना इसे फैलाएंगे उतना ज़्यादा फैलता चला जाएगा। तो इस वजह से जब यहाँ पे ग्लास ये जो ग्रिप बन जाएगी साल्ट की, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और फिल्टर ब्लास्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो मैंने भी इसी तरह से लगा रखा है, मैंने ऐसे कट कर रखा है जिससे कि इसकी ग्रिपिंग थोड़ी और खुल गई है। अब यहाँ कभी मैं मान लीजिए भूल भी जाता हूँ, नहीं क्लीन कर पाता, नहीं टाइम मिल पाता, यहाँ पे साल्ट डिपॉजिट होता रहता है, बट इसकी ग्रिपिंग इतनी टाइट हो ही नहीं पाती कि ग्लास पे प्रेशर पड़ सके। तो इसलिए आपको यहाँ से इसे कट कर देना है, अच्छा है, बेस्ट है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि ग्लास खराब हो जाएगा, हीटर खराब हो जाएगा, ब्रांड ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी काफ़ी टाइम से इसी मेथड से हीटर को यूज़ कर रहा हूँ, तब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है ऐसी। जब आप अपने एक्वेरियम को क्लीन करते हैं तो फ्रेंड्स आप 20 मिनट पहले इसके पावर को कट ऑफ कर दीजिए, जिससे कि इसे ठंडा होने में टाइम मिल सके 20 मिनट का कम से कम, उसके बाद आप इसे रिमूव करिए। ऐसा नहीं करिए कि मान लीजिए आपने लगा हुआ है, वाटर चेंज कर रहे हैं, इसके आधे तक आ गए यहाँ तक, उसके बाद ये उसी में ही फट जाएगा। उस टाइम पर आपको शॉक बहुत ज़बरदस्त लगेगा, पानी के अंदर आपके हाथ हो गए, आपको शॉक बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्लीज़ इसे ऑफ़ कर दीजिएगा, तभी अपने एक्वेरियम की सफाई करिएगा या कुछ भी करिएगा। एक्वेरियम में कुछ भी आपको डेकोरेशन वगैरह कुछ भी करनी है, पानी निकालना है, कुछ भी करना है, तभी करिएगा इसे ऑफ़ करने के बाद। अदरवाइज़ मान लीजिए आपके दिमाग से अगर 1% भी अगर निकल गया तो आप अपनी फिशेज़ को खो सकते हैं और आपके साथ एक बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप एक्वेरियम को क्लीन करें तो इसे रिमूव कर दीजिए, 20 मिनट का गैप लीजिए, उसके बाद इसे पूरी तरह से एक्वेरियम से रिमूव करके फिर आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हम एक्वेरियम हॉबी के साथ में। ऐसा कुछ हुआ तो हम अपने एक्वेरियम की फिशेस तो खो ही देंगे, प्लस अपने लिए अपने साथ भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट कर बैठेंगे। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा, थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतिएगा हीटर के साथ। अगर इसकी तार एक बार ब्रेक हो जाती है तो प्लीज़ यहाँ पे टेप लगा के इसे रीयूज़ मत करिएगा, 200 रुपये का आता है, आपकी जान से बढ़ के नहीं है, इसे रीयूज़ मत करिएगा। अगर कभी तार कट जाता है, प्लग निकल जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी जुगाड़ मत करिएगा, क्योंकि करंट का मामला है,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जितना आपने आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इसमें कोई भी जुगाड़ मत करिएगा, ना ही कभी फ़िल्टर में करिएगा जुगाड़ कि फ़िल्टर के तार कट गए लाओ उसमें टेप मार के इसे यूज़ कर लेता हूँ, बिल्कुल ही मत करिएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से मजाक मत करिएगा फ्रेंड, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा कुछ भी मत करिएगा। मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, मेरा ये टैंक साइज़ है, मुझे कौन सा हीटर बेस्ट है, मुझे कितने वाट का लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर हमेशा कन्फ्यूज़न रही है कि कौन सा हीटर अपने टैंक के लिए बेस्ट है। मैं आपको वन बाई वन बता जाता हूँ, मेरे पास 50 वाट से लेकर 300 वाट तक के हीटर हैं, मैं प्राइस भी साथ में आपको बताता रहूँगा। देखिए मेरे यहाँ जो प्राइस है, हो सकता है आपके यहाँ 10-20 रुपये ज़्यादा हो, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद से मैंने सारा सामान पिक करा है। तो प्लीज़ आपके यहाँ हो सकता है 10-5 रुपये ज़्यादा हो, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। मगर मैं फिर भी आपको एक आइडियल प्राइस बता दे रहा हूँ कि इसमें 10-20 रुपये ऊपर या नीचे आपको मिल जाएगा आपके एरिया में। जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास एक फिट का टैंक है, एक फिट के टैंक के लिए 50 वाट का हीटर बेस्ट है। आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर बहुत अच्छे से मेंटेन रखे हैं, कोई परेशानी, देखिए आप इस जगह छोटा भी लगा सकते हैं। मगर क्या होता है फ्रेंड, देखिए मान लीजिए आप इतना छोटा भी मत लगाइए कि वो पूरे दिन रन ही कर रहा है, रन करता ही जा रहा है मगर पानी को गर्म नहीं कर पा रहा उस टेम्परेचर तक। उसमें क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो आती होती ही होती है ज़्यादा, और फिशेज को ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता जिस टेम्परेचर को सर्वाइव करती है। तो प्लीज़ इतना छोटा भी मत लगाइएगा और इतना बड़ा भी मत लगा दीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और भी ज़्यादा खर्च करे वो। मान लीजिए आपका 2 फिट का एक्वेरियम है, 3 फिट का है, आप उसमें 500 वाट का लगा दिया, 500 वाट की नीड नहीं है फ्रेंड्स, 509 वाट की नीड बहुत ज़्यादा बहुत बड़े टैंकों में होती है। तो प्लीज़ इतने बड़े हीटर मत लगाइए, क्योंकि मानता हूँ आप अपने फिशेज से प्यार करते हैं, आप हर चीज़ से उनकी केयर करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो बट इतनी भी ओवर केयर मत कर दीजिएगा कि उनकी लाइफ के लिए हार्मफुल हो। तो आपको छोटा भी नहीं लगाना और बड़ा भी नहीं लगाना, 50 वाट का हीटर एक फिट के लिए बेस्ट है। आप इसमें 25 भी लगा सकते हैं, 25 भी ठीक ठाक रहेगा, 25 से स्टार्टिंग होती है वो भी ठीक ठाक रहेगा, मगर 50 वाला बेस्ट है, आपको इससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी कॉस्ट मुझे 200 रुपीज़ पड़ी है। अब बात करते हैं 75 वाट है सोबो का, इसे आप 1.5 फिट के टैंक में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा, किसी तरह से परेशानी नहीं होगी आपको। आप इसे 2 फिट में भी यूज़ कर सकते हैं बट 1.5 फिट के लिए ये बेस्ट है, आपको परेशानी कोई किसी भी तरह से कोई परेशानी फेस करने को नहीं मिलेगी। इसकी भी कॉस्ट मुझे 200 रुपये पड़ी है। इन ये सारे हीटर अंदर से सेम है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक अनबॉक्सिंग करके दिखाया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास ये RS का हीटर है, ये 100 वाट का है और ये 2 फिट तक के टैंक के लिए सफिशिएंट है, मुझे इसकी कॉस्ट भी 200 रुपीज़ पड़ी है। बात करते हैं 2.5 से 3 फीट तक के टैंक के लिए कौन से वाट का हीटर बेस्ट है। देखिए 2.5 से 3 फीट तक के लिए आपको 150 वाट का हीटर यूज़ करने की ज़रूरत है। देखिए 150 वाट का हीटर है सोबो का, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा बट मेरे आसपास यही सब प्रोडक्ट मिल पाए तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, प्रमोशन किसी तरह का नहीं कर रहा हूँ मैं किसी कंपनी का, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए 250 रुपये में आपको इससे अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, आप किसी भी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं, वारंटी गारंटी किसी की भी नहीं हो सकती, बट मैं सोबो के ही यूज़ कर रहा हूँ तो सोबो के ही प्रेफर करता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर है, लाइफ अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं अपना हीटर संदो 12 से यूज़ कर रहा हूँ, वो भी सोबो का ही है। तो मुझे इसकी कॉस्ट भी 200 रुपीज़ पड़ी है, मुझे 50 वाट से लेके 150 वाट तक की कॉस्ट 200 रुपीज़ पड़ी है। इसके बाद मेरे पास अगला फिल्टर है सोबो का, 200 वाट का है ये हीटर, ये 3.5 से 4.5 फिट तक के लिए सफिशिएंट है, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी आपके एक्वेरियम के टेम्परेचर को लेके, बेस्ट है 3.5 से 4 फिट के लिए। और इसकी कॉस्ट मुझे 250 रुपये पड़ी है मार्केट से, इनकी भी किसी तरह से वारंटी गारंटी नहीं आती है। इसके बाद है मेरे पास सोबो का 300 वाट का हीटर, ये सफिशिएंट है 5 से 6 फीट तक के टैंक के लिए, मुझे इसकी कॉस्ट 350 रुपये पड़ी है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हीटर, आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है इससे आपके मन में जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मैं इस वीडियो पे एम रखता हूँ 1000 लाइक का, तो आशा करता हूँ आप जल्दी जल्दी उसे अचीव कराएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा, मैं अपनी अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड पोस्ट वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।